आज इंटरनेट की दुनिया में गूगल, यूट्यूब और फेसबुक का ही राज चल रहा है, लेकिन इन सभी पॉपुलर वेबसाइट्स में कुछ ऐसी अनोखी चीज छुपी हुई है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कि इंटरनेट चले जाने पर गूगल क्रोम में ये गेम ओपन हो जाता है, जिसे टीरेक्स क्रोम गेम कहते हैं। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम में जाकर अटारी ब्रेकआउट लिखकर इमेज सर्च करोगे तो इसमें यह गेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जिसे आप बड़े ही मजे से खेल सकते हो। और अगर इसे आप मोबाइल पर भी खेलना चाहते हो तो तब बस आपको इमेज सर्च करके उसे डेस्कटॉप साइट कर देना है, बस ये गेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब दूसरे ट्रिक पे चलते हैं, जो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप गूगल में जाकर वेबैक हिस्ट्री टाइप करके सर्च मारते हो तो पहले लिंक को ओपन करते ही एक वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें आप किसी भी YouTube चैनल या वेबसाइट अतीत में कैसा दिखता था वो आप आसानी से पता लगा पाओगे। आपको यहाँ पे उस वेबसाइट या फिर YouTube चैनल का लिंक डाल देना है और ब्राउज हिस्ट्री पर क्लिक करना है। फिर ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली कई सालों के टाइमलाइन और उससे जुड़ा कैलेंडर शो करेगा। आपको बस साल चूज करना है और कैलेंडर में इन ब्लू या ग्रीन मार्क किए हुए डॉट्स पर क्लिक करना है, तो क्लिक करते ही उस दिन कितने बजे का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वो यहाँ पे शो करेगा। तब उस टाइम पे क्लिक करते ही ये वेबसाइट या चैनल खुल जाएगा, लेकिन आज की तारीख में नहीं, बल्कि उस साल उसी तारीख में वो चैनल कैसा दिखता था ठीक वैसे ही कंडीशन में ये चैनल खुलेगा। अच्छा, आप जब इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आप गूगल सर्च इंजिन का ही इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इन सर्च इंजिन में बहुत से मिस्ट्रीज छुपी हुई है जो आज मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। तो जब भी आप गूगल पर आस्क यू लिखकर एंटर मारोगे तो तब पूरा पेज राइट साइड में टिल्ट होकर खुलेगा। अब यहाँ गूगल वही करता है जो इस वर्ड का मतलब है, यानी नॉट इन अ स्ट्रेट पोजिशन। अब हमारी दुनिया गोल है ये तो कोई बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या आपने गूगल स्फीयर के बारे में सुना है, जिसमें गूगल सर्च इंजिन से जुड़े सारे लिंक्स आपस में मिलकर एक स्फीयर का शेप ले लेगा, और इतनी अजीबोगरीब इंटरफेस के बावजूद ये वेबसाइट तब भी पूरी तरह से काम करेगा। हमारे स्टोरीपीडिया चैनल पर बहुत से सब्सक्राइबर्स हमें स्पेस वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मगर इसी गूगल पर आप अंतरिक्ष के मजे ले सकते हो, वो भी गूगल स्पेस के जरिए। तो जब भी आप इस पेज को ओपन करोगे तो इस पेज से जुड़े सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जैसे कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में होता है ठीक वैसा यहाँ भी होगा। और अगर आप चाहे तो इन्हें पकड़कर एक दूसरे से टकरा के इसका मजा उठा सकते हो। और इसी गूगल स्पेस का ऑपोजिट गूगल ग्रेविटी भी है, जिसमें इस सर्च बॉक्स में हर चीज ग्रेविटी के नियमों को फॉलो करती हुई नीचे गिरने लगेगी। यहाँ भी पिछली बार की तरह इन चीजों को उठा के इधर उधर फेंक सकते हो, लेकिन आखिर में ये सारे एलिमेंट्स ग्रेविटी के कारण नीचे आ गिरेगा। अब फेसबुक से जुड़ा एक मजेदार वेबसाइट देख लेते हैं। आपको गूगल पे जाकर thefacesoffacebook.com वेबसाइट ओपन करना है, जिसमें आप दुनिया के सारे फेसबुक यूजर्स के फोटोज एक साथ एक ही फ्रेम में देख सकते हो, और जूम करने पर वो पर्टिकुलर फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर भी हमें देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पिक्चर में क्लिक करते ही उससे जुड़ा वो प्रोफाइल भी खुल जाएगा, और फेसबुक में हर वक्त कितने प्रोफाइल्स ओपन हो रहा है उसका भी रियल टाइम नंबर शो होगा। है ना कमाल का वेबसाइट। अगला वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24। ये साइट इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे आप दुनिया में उड़ने वाले सारे फ्लाइट्स के रियल टाइम लोकेशन को देख सकते हो, और किस कंट्री में किस समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो भी दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो यहाँ जूम करने पर हमें इंडिया के ही आसमानों पर कितने प्लेन्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये प्लेन्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, आप यहाँ हर एक प्लेन्स को ट्रैक कर सकते हो। आपको बस उन प्लेन्स पर क्लिक करना होगा और लेफ्ट साइड में आपको इस प्लेन से जुड़े सारे डिटेल्स शो करेगा। यहाँ तक आपको इसके शेड्यूल डिटेल्स भी मिल जाएगा। और सबसे आखिरी वेबसाइट जो कि स्पेस से रिलेटेड है, तो अगर आपको स्पेस, एस्ट्रोनॉमी इन सभी चीजों में दिलचस्पी है तो ये वेबसाइट आपके लिए सबसे कमाल का साबित हो सकता है, जिसका नाम है stars.chromeexperiments.com। यहाँ आप हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, जिसमें आपको जूम करने पर हमारे सोलर सिस्टम से लेकर सूरज तक सब कुछ देखने मिलेगा। मुझे तो इन सब वेबसाइट्स में से ये सबसे कमाल का लगा, और आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखते हैं इस वीडियो में 20,000 लाइक होता है कि नहीं, और अगर ये टारगेट पूरा होता है तो इसका भी हम एक अगला एपिसोड बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।
तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।